जीएस सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंदी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। डी फार्म, बी फार्म, पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। योगी सरकार नैमिषारण्य तीर्थ में पर्यटकों की सुविधा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की बात कर रही। वहीं दूसरी तरफ नैमिषारण्य के लिए 25 अगस्त 2022 को शुरू की गई इलेक्ट्रिक एसी बस सेवा का संचालन ठप पड़ा हुआ है। ऐसे में जब इलेक्ट्रिक बसों का सही संचालन नहीं हो पा रहा तो पर्यटकों को हेलीकॉप्टर सेवा कैसे सुलभ होगी, इसे लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि योगी सरकार का कहना है कि इलेक्ट्रिक एसी बसों का प्रारंभिक दौर का संचालन सिर्फ ट्रायल था। बहरहाल यह सेवा फिर से कब बहाल होगी यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल बसों का संचालन ठप हुआ तो इसे लेकर लोगों ने कई तरह से टिप्पणियां कर सरकार पर तंज कसा था। यही नहीं, लोगों ने सोशल मीडिया पर भी बसों की फोटो डालकर सरकार को आईना दिखाने का काम किया था। बताते चले कि विश्व प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ में दर्शन पूजन धार्मिक अनुष्ठान में सम्मिलित होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जिसको देखते हुए सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक बसों का संचालन दुबग्गा से संडीला होते हुए नैमिषारण्य तीर्थ तक शुरू कराया गया था। नैमिषारण्य के लिए इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को लेकर बबलू सैनी, राजकुमार प्रजापति, राधिका सिंह, वीरेश मिश्रा ने आई इंडिया से क्या कहा, आप भी सुने। प्रजापति बोल रहा हूँ, मेरे को लखनऊ जाना है लेकिन एसी बस नहीं चल पा रही, इसलिए इसमें बस में जाना पड़ रहा है। इससे पहले यहाँ पर एसी बस चलती थी चलती और अभी आप नॉर्मल बस से जा रहे हैं, तो ये कैसा अनुभव रहता अगर आप एसी बस में जाते हैं? यहाँ से एसी बस में जाते थोड़ा अच्छा लगता था, और नॉर्मल बस में क्या होता है, गर्मी रहता है, कुछ ना कुछ मतलब यहाँ चार्जिंग सेंटर शायद नहीं होने सेंटर, इसलिए मतलब ये बस से अभी चल नहीं पा रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। राजकुमार प्रजापति, गोरखपुर, योगी जी के गांव की तरफ से रहने वाला हूँ। योगी जी ने घोषणा की है कि यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन बनना चाहिए, लेकिन अभी तक वो काम हो नहीं पाया है। शायद हो सकता है लोग लापरवाही कर रहे हैं, बीच वाले काम करने वाले आदमी जो हैं, उन्होंने तो आदेश दे दिया लेकिन इन लोग। राधिका सिंह, कहाँ जा रहे हैं आप? हरदोई। अभी कितनी देर से यहाँ पर नैमिष के बस अड्डे पर इंतजार कर रहे हैं? एक घंटा प्लस हो गया कम से कम। कितने बजे आप यहाँ आ गई थी? यहाँ हम आ गए थे बजे, और हम तो यहाँ 10:15 बजे आ गए थे। 10:15, और अभी कितना बज रहा है? अब 11:18 हुआ है, यानी कि आपका लगभग डेढ़ घंटा लगभग। इससे पहले भी आपको यहाँ पर असुविधा हुई आने? इस रूट पे हम थोड़ा कम आते हैं। अच्छा, फिर भी आपको डेढ़ घंटे का इंतजार हो गया। इंतजार अभी मेरी ARM साहब से बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि यहाँ हर आधे घंटे में बस की सुविधा है, तो क्या ये बात सच है? अब मुझे तो आधे घंटे पे बस नहीं मिली। राधिका सिंह, वीरेश मिश्रा। यहाँ नैमिषारण्य में लखनऊ के लिए रोडवेज बस चली थी इलेक्ट्रिक बस जी, उस पर क्या कहना है, अभी बंद हो गई? नहीं, वो हमको लगता है 5-6-7 दिन चली थी, इससे ज़्यादा नहीं चली, पर वो चली थी तो उससे अच्छी सुविधाएं मिली थी। अभी क्या है कि वो बंद कर दी गई, 5-6-7 महीने हो गए हैं, और वो चलती थी, उनसे सुविधाएं थी, हम लोगों को भी बहुत सुविधाएं थी, संडीला से लखनऊ जाने के लिए बहुत आसानी रहती थी संडीला नैमिष से। बाकी अभी तक हमको लगता है चालू नहीं की गई हैं, सरकार को चाहिए इसको तुरंत चालू कराएं, इससे लोगों को बहुत सी सुविधाएं मिली थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू सैनी। यहाँ नैमिषारण्य में योगी जी के निर्देश पर इलेक्ट्रिक बसों का संचालन हुआ था नैमिषारण्य से लखनऊ के लिए, क्या स्थिति है उनकी? स्थिति तो उसकी सुंदर नहीं है, क्योंकि वो बसें मात्र एक सप्ताह के लिए चली थी, हवा में आई और हवा में ही उड़ गईं। उस समय कुछ दिन के लिए, 7 दिन के लिए बसें आईं, जिसके लिए एक चार्जर भी यहाँ लगाया गया था, और यात्रियों को बहुत सुविधाएं मिली, क्योंकि एसी तपन में सभी आदमी एसी से जाना चाहता, और सेम लगभग किराया भी एक ही था, तो इसलिए सुंदर व्यवस्था थी। मगर सुंदर व्यवस्था उस समय तो MD साहब ने, मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी दिखाकर उसको बहुत अच्छे तरीके से चलाया गया, मगर वो मात्र 7 दिन के लिए थी, बाकी वो सब हवा हवाई साबित हुई, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज तक दोबारा तो हमने दो AC बसें आज तक दोबारा देखी नहीं। योगी जी ने ये भी कहा था कि जल्द से जल्द यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा, उसी के चलते ये तो सिर्फ अधिकारियों का कहना है कि बनेगा बनेगा, मगर वो कब किस जमाने में बनेगा
ये घोषणा होके ही रह जाएगी या बनेगा भी, ये तो जब धरातल पे उतरेगा तभी हम देखेंगे, अभी तो ऐसी कोई सुविधा दिखाई पड़ती नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू सैनी। तीर्थवासियों व श्रद्धालुओं के लिए दृष्टिगत यह सुविधा कई मायनों में बेहद खास लगी, किंतु श्रद्धालुओं व तीर्थवासियों की ये खुशी ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सकी थी। जैसे तैसे एक सप्ताह तक इन ई बसों को चलाकर विभागीय अधिकारियों ने बस चलाने से हाथ खड़े कर दिए हैं। चार्जिंग स्टेशन के अभाव में इन बसों का संचालन बंद हो गया, जिसके चलते नैमिष तीर्थ कुछ समय के लिए एसी बसों की सुविधा भी मिली लेकिन बाद में बंद भी हो गई। उस समय विभागीय अधिकारियों ने बताया था बसों को चार्ज करने के लिए जनरेटर व्यवस्था की जाती थी, जिससे काफी ज्यादा खर्च आ रहा था और चार्जिंग स्टेशन न बनने की वजह से ई बसों का संचालन बंद हो गया। अब इन बसों के बंद हुए पूरे 11 महीने व्यतीत हो गए, मगर अभी तक चार्जिंग पॉइंट बनकर तैयार नहीं हो पाया, जिससे अभी तक यह बस सेवा शुरू नहीं हो पाई, जिससे अब स्थानीय लोगों को इलेक्ट्रिक बस अब शुरू होना ख्वाब जैसा लगने लगा है। नैमिषारण के लिए आई इंडिया से संवाददाता सुनीत पांडे ने शिवम तिवारी, सुनील शुक्ला, सुमित पांडे, हरिशंकर पांडे से बात की। आप भी सुने उन्होंने क्या कहा। नाम सुनील शुक्ला है और यहाँ से नैमिषारण से मैं लखनऊ जा रहा हूँ। पहले यहाँ से अगस्त में लगभग एसी बसें चलाई गई थी, जिससे यात्रियों को काफ़ी सुविधाएं मिली थी, और उसके बंद होने से यहाँ पे काफ़ी दिक्कतें हुई हैं, काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और एसी बसें अगर यहाँ से फिर से चालू हो जाएंगी तो काफ़ी यात्रियों को सुविधा मिलेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित पांडे है और मैं सीतापुर जाने के लिए यहाँ आया हूँ। पिछले एक घंटे से बैठा हुआ हूँ, एक घंटे से ज़्यादा हो गया मुझे, अभी बस यहाँ आई नहीं है। और हमसे पहले से भी लोग जो आए हुए हैं वे भी एक डेढ़ घंटे से बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ बस का कोई अभी अता पता नहीं, और जहाँ मुझे पहुँचना है इसलिए मुझे देरी हो रही है। इससे अच्छा तो मैं प्राइवेट से चला जाऊँ, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो इससे पहले भी आप यहाँ बस? इससे पहले भी एक बार मैं आ चुका हूँ, हरदोई तब जाना था मुझे, तब भी मैं यहाँ 45 मिनट तक रुका लेकिन बस नहीं मिली, तो फिर मैं पैदल ही यहाँ से चला गया और प्राइवेट बस पकड़ के वापस से हरदोई गया। मेरा नाम सुमित पांडे है। क्या नाम है आपका? हरी सलम पांडे। अभी हम लोग गए थे रोडवे बस अड्डे पर, वहाँ पर बसें बहुत देर में आ रही जो सीतापुर हरदोई जाने वाली है। हाँ। क्या दिक्कत हुई आप जब गए थे? अरे बहुत दिक्कत है यहाँ पर, तो हम ये कहना चाहेंगे कि माननीय योगी जी से कि यहाँ पर जो हरदोई और सीतापुर की खास करें रोडवेज बसें हैं, ये बहुत देर में आती हैं, दो दो घंटे इंतज़ार करना पड़ता है, तो इससे बड़ी दिक्कत है। तो यहाँ अगर कुछ बसें बढ़ जाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा, यात्रियों को सुविधा मिलेगी और आम जनमानस को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। आप कब गए थे, आपको ये दिक्कत हुई? अभी परसों में गया हुआ, दो घंटे में बैठा रहा, दो घंटे बाद फिर एक गाड़ी आई, वो भी बहुत भारी हुई, तो इससे बड़ी दिक्कत होती है। क्या नाम है आपका? हरी शरणम पांडे। क्या नाम है आपका? शुभम तिवारी। कहाँ जा रहे हैं? मैं हरदोई जा रहा हूँ। हरदोई जा रहे हैं, तो कितनी देर से यहाँ इंतजार कर रहे हैं? लगभग डेढ़ घंटे हो गए। डेढ़ घंटे हो गए तो यहाँ बस नहीं आई है? नहीं, डेढ़ घंटे से बस नहीं आई, और दो तीन बार ऐसा हो चुका है। दो तीन बार आपके साथ ऐसा हो चुका है? अभी मेरी एआरएम साहब से बात हुई थी, वो तो कह रहे थे हर आधे घंटे पर बस है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई नहीं है, क्योंकि अभी 20 तारीख को मैं फिर हरदोई गया था, लगभग मैं दो घंटे यहाँ खड़ा रहा था। दो घंटे जी, 15 तारीख को मुझे जाना था, 15 तारीख को लगभग इसी डेढ़ दो घंटे हो गया था, बस नहीं आई थी, मैं प्राइवेट से बाद में गया। क्या नाम है आपका? शुभम तिवारी। पावन तीर्थ नैमिषारण, जहाँ पर प्रतिदिन देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन अनुष्ठान में सम्मिलित होने के लिए आते हैं। आपको बता दें यहाँ पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए योगी सरकार के लिए बराबर घोषणाएं की जाती है, मगर उसकी ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। आपको बता दें 2022 में 25 अगस्त को योगी सरकार के द्वारा नैमिषारण और लखनऊ के लिए एसी बसों का संचालन किया गया था, मगर वह एसी बसें सिर्फ एक हफ्ते ही मात्र चल पाई, जिसके चार्जिंग पॉइंट न बनने के कारण वह बसें बंद हो गईं। लगभग 6 से 7 महीने लगभग होने वाले हैं, मगर अभी भी वह सेवाएं ठप पड़ी हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं को लखनऊ से नैमिषारण से लखनऊ को आने में और नैमिषारण से लखनऊ जाने में तमाम दिक्कतों का सामना पकड़ना पड़ा। ऐसी गर्मी में अगर वातानुकूल सेवा श्रद्धालुओं के लिए नैमिषारण में होती तो काफ़ी सुविधाओं का सामना करना पड़ता और काफ़ी सुविधा भी मिलती। नैमिषारण से सुनीत पांडे की रिपोर्ट। जीएस सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंदी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। डी फार्म, बी फार्म, पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए
आई इंडिया।